हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल टिप्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इसका नाम है टेक्निकल टिप्स। डर गए? डरिए मत, सब्सक्राइब फ्री में होता है, एक क्लिक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी। आई रिक्वेस्ट यू, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करो टू गेट न्यू अपडेट्स। हेलो फ्रेंड, टेक्निकल टिप्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए अच्छा बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो है कि आपके यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो और टेम्पलेट्स कैसे बनाएं। तो चलिए, हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। या सिम गूगल क्रोम ओपन करके ये मैंने बुकमार्क किया हुआ साइट ओपन करता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये देखो, नीचे करेंगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सा ऐसा लिंक हो जाएगा ओपन। तो यहाँ पे मोर करेंगे तो मोर टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो इसमें कैटेगरी लेटेस्ट और टॉप, हम टॉप सेलेक्ट करते हैं अभी। तो इस ये लिस्ट में से देखो, ये बहुत से इसमें से एक मैं सिलेक्ट करता हूँ अच्छा सा और उसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं ये वाला भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे दो आइज का साइन है आग का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको प्ले करेंगे। तो ये ऐसा है, ये टेम्पलेट है, इंट्रो है। यहाँ पे मैंने बहुत से ओपन करके रखे हुए अच्छे अच्छे, तो इसमें सब आपको प्ले करके दिखाता हूँ अभी मैं। तो ये फर्स्ट वाला, यहाँ पे आई के ऊपर क्लिक करेंगे और प्ले करेंगे। ये देखो, ये अगर आप डायरेक्टली प्ले करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके आपको प्ले करना है। तो ये सेकंड वाला भी आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये आई के ऊपर क्लिक करके वो क्लिक किया है, उसके ऊपर प्ले करेंगे। ये थर्ड वाला भी आपको चालू करके दिखाता हूँ, सेम ही करना है। इसके बाद आई के ऊपर क्लिक कर किया हुआ है, ये भी करके आप प्ले करो। तो ये फोर्थ वाला भी आपको चालू करके दिखाते हैं। ये पर लास्ट वाला भी आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो ये जाने दो। ये देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कैसे बदलना है उसका नाम। आप सोचेंगे कि भाई ये तो दिख रहा है मगर इसमें आप अपने का नाम दिखा रहे हो। यहाँ पे सर नेम और नेम है, ठीक है। तो ये नेम दिखेगा, तो या इस नेम के जगह पे अगर पे आपने को डालना है तो कहाँ से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक है वहाँ पे क्लिक करना है ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे
और यहाँ पे इसे खींच के थोड़ा मिडल तक लाना है, जिससे आपको सब मिल जाएगा टेक्स्ट वगैरह सब। जो यहाँ पे आपने ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे आपने को क्या डालना है अपने चैनल का नाम। मैं जैसे मैं डालूँगा कि टेक्निकल टिप्स, तो पूरे लिस्ट में जहाँ पर भी आपको दिखेगा कि टेक्स्ट लिखा है, वहाँ पे आपको अपना खुद का नाम डालना है या आपके चैनल का नाम डालना है। देखो और कहाँ कहाँ पे लिखा है क्या, तो नीचे आएंगे देखेंगे, तो ये देखो लास्ट में भी है सर नेम, तो उस टाइम अपने पहले दिखता है, उसके ऊपर टेक्निकल टिप्स। तो ये तो हो गया, बस आपके इसको प्ले करके देखना है। वैसे ये अभी दूसरा भी दिखाता हूँ आपको प्ले करके, इसमें डाला है यूअर नेम, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जाओ, सेम चीज़ वो वही, ठीक से ध्यान से देखो, स्किप मत करो वीडियो, नहीं तो आपको कुछ भी मालूम नहीं गिरेगा। तो ग्रुप नेम, ग्रुप नेम ग्रेम में अभी चेंज करता है, मगर नहीं किया तो भी चलेगा, खाली आपने को टेक्स्ट करना है चेंज। ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट है, इसको चेंज करो बस, ग्रुप का नाम चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये देखो ये नीचे भी, तो उसको भी चेंज करो, चेंज करने के टाइम के साथ अब नाम डालेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है, अगर एंटर नहीं करेंगे तो आपको आपका नाम चेंज नहीं होएगा। तो ध्यान से अभी यहाँ पे डालने के बाद एंटर करो, तभी वहाँ पे चेंज होता है, जब आप डालेंगे भाई भाई बोले मैं डालता हूँ वहाँ पे चेंज नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, वो टेक्निकल टिप्स नाम बड़ा है इसके, वो स्क्रीन के बाहर जाएगा, तो आपको क्या करना है उसका छोटा करना है उसका साइज़, तो साइज़ भी छोटा कर सकते हैं आप। इसमें बहुत से फीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये जो ऑनलाइन करता है। यहाँ पे अपने को ढूंढना है कि साइज़, ये देखो यहाँ पे जिसका नाम चेंज करना है, अभी देखो ये टेक्निकल ग्रुप का छोड़ो, अपने को टेक्स्ट का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो और नीचे आपको आप ढूंढेंगे कि साइज़ कहाँ पे लिखा है, तो ये वाला साइज़ नहीं, थिकनेस के उधर थिकनेस चेंज होता है नाम का, बैलेंस साइज़ वो भी बेवल साइज करने से कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, तो मैं ट्राई करता कुछ अलग कुछ होता है क्या, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एक साइज़ का ऑप्शन है, पहले हम नीचे देखते हैं, जो यहाँ पे आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो चाहिए वो कलर ले सके। तो ये देखो ये ब्लैक है, कलर चूज़ करो, तो यहाँ पे देखो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखो साइज़ लिखा हुआ है कस्टम फॉन्ट के नीचे, तो यहाँ पे देखो मे बी तो हाइट के ऊपर लिखेगा कि 10 साइज़ ले रहा हूँ मैं, तो सबका सेम ही साइज लेना लो जिसका एक ले रहा हूँ। अब यहाँ पे सबके ऊपर 10 डाल के रखता हूँ, जो जो फॉन्ट है सबका, वो कैसे आपको अरेंज करना है फॉन्ट वो अभी आपके ऊपर है, सबका सेम साइज ऐसा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर का फॉन्ट छोटा और नीचे का फॉन्ट बड़ा ऐसा भी हो सकता है, अपने अभी अपने दिमाग से करो। लेकिन मैं सब करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि सब अलग अलग ये है इंट्रो है, अलग अलग टाइप का, कोई 3D में कोई 2D में, तो ये 2D वाला है। यहाँ पर भी ढूंढो टेक्स्ट कहाँ पे लिखा है, टेक्स्ट हाँ यहाँ पे मिल गया, टेक्स्ट नेम क्या लिखा उसको उसमें डालो, टेक्निकल टिप्स एंटर करो, यहाँ पे बदल गया।
इसका भी ये बाहर जा रहा है, इसको चेंज करो। मैं 9 कर देता है, इंटर करो, ये देखो परफेक्ट फिट हो गया। थिकनेस इसका बढ़ा के देखता है, मैं थोड़ा सा बढ़ गया, मालूम नहीं गिरता है, मगर ठीक है। अभी यहाँ पे किधर भी टेक्स्ट नहीं लिखा है, तो इसको प्ले करो। तो अभी मैं आगे वाला दिखाते हैं, ये भी वैसे ही करना है। ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके टेक्स्ट हमको ढूंढना है कहाँ कहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। तो ये भी लिखा है, ये फॉन्ट, ये देखो यहाँ पे डालना है टेक्निकल टिप्स। अब आप अपना डाल सकते हैं, नाम भी डाल सकते हैं, किसी का बर्थडे कार्ड बना सकते हैं इसके, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख के किसका भी नाम लिखो, वो बेस्ट है, वो खुश हो जाएगा भाई देख के, वीडियो देख के। ये तो ये थोड़ा बाहर जा रहा है, जिसका भी कम करता है, मैं 15 कर देता है। ये देखो परफेक्ट फिट हो रहा है। थोड़ा छोटा कर देता है 30, उसका बाहर का भी कम करना ही पड़ेगा। सेम 13 तभी वो फिट हो जाएगा ना, 13-15 में अलग अलग होता है। देखो ये बराबर अभी हो रहा है, तो ये लास्ट वाला भी करके दिखाता हूँ। मेरे को भाई सेम करना है, तो वो अलग अलग, इसके लिए मैं टेक्निकल अलग डालता है, टिप्स अलग डालता है, तो ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पर भी टिप्स डालता हूँ, ये ग्रुप के वाइज डालो, एक ग्रुप में एक ही नाम डालो, दूसरे ग्रुप में दूसरा नाम डालो। अरे यार सॉरी, ऊपर टिप्स गया, नीचे टेक्निकल आ गया, तो उसको शफल करते ऊपर नीचे और नीचे को ऊपर करते। तो यहाँ पर टिप्स डालता हूँ, सेम एक ही ग्रुप में डालो टिप्स। और भी नीचे डालता हूँ कि टेक्निकल, तो लास्ट में भी एक टेक्निकल है, वो आप भी टीम टेक्स्ट है उसको भी चेंज करते हैं, दोनों भी चेंज करके एंटर करो। अभी आप सोचेंगे कि भाई डाउनलोड कैसे करने का, हम तो बना तो लिया। अभी देखो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन है, डाउनलोड करके वहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो मोड के ऊपर फास्ट रेंडर, मतलब लो क्वालिटी है, वैसे लो, हाई, एक्स्ट्रा क्वालिटी, मतलब स्लो, मतलब एकदम हाई क्वालिटी में, ये क्वालिटी में आएगा, पर डाउनलोड स्लो होगा क्योंकि ओवर एंडिंग के लिए टाइम लगेगा। और यहाँ पे फॉर्मेट भी अलग अलग है, तो यहाँ पे हम बैलेंस रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो उसको देखो यहाँ पे टेम्पलेट 1 मिनट दिखा रहा है, तो एक मिनट लेगा वो करने के लिए, तो अपने को रुकना पड़ेगा।
तो वापस अभी मैं एक रिक्वेस्ट करो तो करूँगा, तब तक ये हो जाए तब तक प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो। यार आप वीडियो तो मेरा बहुत अच्छे से देखते हो मगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते, मालूम नहीं क्यों, मगर अब सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, अच्छे से आपको आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या है कि आप अच्छे अच्छे वीडियो आपको जब मैं डालूँगा तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो यार। और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा कुछ भी तो कमेंट्स में डाल दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। तो अभी देखो ये हो गया, तो यहाँ पे डाउनलोड योर वीडियो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा फटक से। ये नेक्स्ट विंडो खुलेगा, देखो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया, इसको शो करो और ये देखो यहाँ पे एक फाइल है उसको ओपन करो। ये देखो फाइल अभी ओपन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो इंट्रो बनाते रहो और अपने अपने वीडियो में डालो, अपने नाम का खुद का टेम्पलेट बना सकते हो, किधर भी आप डाल सकते हो, व्हाट्सएप में स्टेटस में भी रख सकते हो ऐसा बना के। तो ऐसे अच्छे अच्छे बनाओ और बस मज़े करो। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। बाय।